हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक काफ़ी अच्छा सा फ़ोन कूलर बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैंने उसके लिए इस तरीके का एक पीवीसी पाइप ले लिया। तो मैंने कैसे बनाया मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली अपना जो पीवीसी पाइप आता राउंड शेप वो ले लिया और उसको हीट करके हीट सिंक से ऐसा दबा दिया। उसके बाद ऐसी पीवीसी की शीट ले ली। तो इस फ़ोन कूलर की एक खास बात है, वैसे तो मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कूलर पड़े हैं और काफ़ी अच्छा वर्क करते और एक से बढ़िया एक है, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये कॉर्डलेस है। मतलब इसको कोई भी कॉर्ड नहीं लगानी, इसको कुछ भी वायर नहीं लगानी या कुछ भी नली नहीं लगानी। आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हो। ये पूरा रिचार्जेबल है और इसका बैकअप 2 से लेकर 2.5 घंटे तक है। मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में पूरे बने रहो लास्ट तक। और काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैं टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ और प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो देखो, मैं पहले इस पीवीसी शीट को कट कर लेता हूँ। ये पीवीसी शीट कैसे बनाई आपको तो पता ही होगा। वो बिजली फिटिंग का पाइप आता, उसको कट कर लिया और गर्म करके जो फ्लैट सरफेस पे ठंडा कर दिया। तो ऐसे मैंने शीट बना ली है। तो मैं अब इसको इस शेप में कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तो आपको बताया कि मेरे चैनल पे बहुत पड़े हैं, तो आप एक बार जाके देख लेना। उसको मैंने जो अपने वाटर कूलिंग वाला, आइस कूलिंग वाला, पेल्टियर कूलिंग वाला और भी कई तरीके के जो भी फ़ोन कूलर आते हैं वो एक से बढ़िया एक बना के रखे, लेकिन सबके एक एक गलतियाँ रहती है। तो ये मैंने इस तरीके का फ़ैन ले लिया। तो गलतियाँ मतलब हम उसको गलतियाँ तो नहीं कह सकते, ड्रॉबैक रहते हैं। जैसे कि किसी को नली है, किसी के अंदर आइस डालना पड़ता है, किसी को पावर के लिए केबल लगानी पड़ती है, ऐसे उसके ड्रॉबैक रहते हैं। लेकिन इसके अंदर वैसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। तो मैं इसको ऐसे फिक्स कर लूँगा। तो वो फ़ैन 5 वोल्ट वाला है और ये मोबाइल की बैटरी है। तो मैं ऐसे पहले कुछ मार्किंग्स कर लेता हूँ। ये फ़ैन आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन ख़रीदोगे तो काफ़ी कम पैसे में मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ मिलेगा। अपनी जो कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप होती है वहाँ पर जाके उनको बोलना 40x40 mm का फ़ैन दे दो, तो वो दे देंगे आपको। तो देखो, मैं ऐसे मार्किंग्स कर लेता हूँ और फिर इसको कट कर लेंगे। तो देखो, ये ने मार्क किए थे उसको मैंने स्क्वायर निकाल लिया। अब इसको ऐसे एक डायगोनल्स जो रहते हैं इसको इसके अंदर क्रॉस वाली फुली लगा देंगे, जिससे कि इसका जो सेंटर है वो हमें पता चल जाएगा। अब इसके अंदर का नाप ले लेंगे कि ये जो सर्कल है ये आपको किस नाप का लेना है। तो आपको सिंपली ऐसा जो फैन है आपका, इसका नाप ले लेना है और इसका जो मिड पॉइंट है इस पर रख के ऐसे मार्किंग कर लेना है। तो देखो भाइयों, मैंने इसको मार्किंग कर लिया। अब हम इसको सिंपली कट कर लेंगे। ये जो सर्कल दिख रहा है उसको हमें कट करना है। तो आप चाकू को गर्म करके भी कट कर सकते हो या फिर कैसे भी, आपकी मर्जी। तो इसी तरीके से मैंने 2 पीस बना लिए, बिल्कुल सेम पीस बनाए हैं, वैसा ही प्रोसीजर है। अब देखो, ये मैंने नोकिया की बैटरी ले ली, ये 1020 mAh की है और इसका एक पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है। ये आप पुरानी भी ले सकते हो, लेकिन चालू होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट रहते हैं उनके ऊपर थोड़ा कार्बन आ जाता है, तो आपको उनको घिस लेना है और उसके बाद सोल्डरिंग कर लेनी है। तो काफ़ी ध्यान से सोल्डरिंग करनी है। उसके बाद आपको ऐसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना होना चाहिए। उसके बाद निगेटिव पे पीला और जो पॉजिटिव है वहाँ पे ऑरेंज वायर लगा देता हूँ। आप किसी भी कलर के लगा सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। देखो, ये पॉजिटिव और ये दूसरी वाली निगेटिव। तो अब ये है हमारा TP4056, जो कि आपको पता होगा चार्जिंग मॉड्यूल है। तो इस पर सिंपली B+ और B- लिखा हुआ है। तो प्लस के ऊपर आपको प्लस की और जो माइनस है वहाँ पे माइनस की वायर सोल्डर कर देनी है। तो ये जो मॉड्यूल है ये क्या काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देगा और ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होने देगा और कहीं शॉर्ट सर्किट भी नहीं होने देगा। उसके बाद मैंने फ़ैन ले लिया जो आपको दिखाया था। इसकी रेटिंग 5 वोल्ट और 0.20 या 0.30 mA, इतनी एम्पियर, मतलब 300 से लेके कुछ मिली एम्पियर की है। तो अब मैं इसकी जो एक ब्लैक वाली वायर है उसको कट लगा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्विच लगाना है। तो देखो, ये है एक स्विच, स्लाइडर स्विच। तो इसको 3 टर्मिनल होते हैं, इसका जो पहला और अंदर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे हम वायर कनेक्ट कर देंगे। तो पहले पे फैन की कर दी और जो सेंटर वाला टर्मिनल है वहाँ पे वो जो कट की थी वो वायर कर दी। तो अब हमें ये जो आउट प्लस और आउट माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस लगा देनी है। तो अब हमारा सर्किट अनसी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार वायरिंग देख लो, आउट प्लस पे प्लस और माइनस पे ये जो स्विच की वायर है वो।
तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग हमारा, तो अब कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और तो देखो ये ब्लू एलईडी है और उसको मैंने 330 ओम का जो रेजिस्टर आता वो लगा दिया है, जिससे कि ये जले ना एलईडी। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, एलईडी वो आपकी बात है, आपको अगर लगाना है तो लगाओ, लेकिन काफ़ी अच्छा दिखता है इसलिए मैंने लगाया है, इसका वैसे कोई पर्पज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लगाया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा दिखता है और ऐसा लगता है कि गेमिंग का फील आ जाता है अगर आप एलईडी लगाते हो तो, इसलिए मैंने लगाया है। कोई महंगी नहीं आती एलईडी, आप लगा सकते हो। तो इसको प्लस और माइनस दो वायर है, तो सिंपली जहाँ पे हमारी फ़ैन की वायरें कनेक्ट है, फ़ैन का जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, और फ़ैन का जहाँ पे माइनस लगाया हुआ है वहाँ पे आपको एलईडी का माइनस, मतलब फ़ैन के बिल्कुल पैरेलल में आपको एलईडी कनेक्ट कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके देख सकते हो, आपको ये सब कुछ है वायरिंग आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखो आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लेना। देखो ये वायर है हमारी फ़ैन की पॉजिटिव और जो दूसरी वाली है निगेटिव, तो वो भी एलईडी के पॉजिटिव में और जो निगेटिव है वो निगेटिव में, इस तरीके से हमने कनेक्शंस कर दिए। कोई बहुत बढ़िया कनेक्शन नहीं है, काफ़ी आसान कनेक्शन है, तो मैं इसको चिपका लेता हूँ यहाँ पे। तो अब ये सब कुछ हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। देखो फ़ैन को यहाँ पे फिट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू लगा रहा हूँ, आप फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हॉट ग्लू से काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा, इसलिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए चलते अगली प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लेता हूँ, जिससे कि हम यहाँ पे बैटरी को जो है हमारी उसको चिपका सके। यहाँ पे आप 18650 सेल भी लगा सकते हो, लेकिन वो काफ़ी मोटा होता है, इसलिए मैंने बैटरी लगाई ताकि ये हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का बनाना है, ये ऐसा दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए और जब हम इसको यूज़ करें तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने कुछ लगाया है, हमें ऐसा लगना चाहिए कि सिंपली हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इसको लाइट वेट रखने के लिए और काफ़ी कॉम्पैक्ट रखने के लिए मैंने बैटरी का यूज़ किया। तो देखो ऐसे आपको चार्जिंग की पिन लगा लेनी है और उसके बाद इसके ऊपर हॉट ग्लू डाल देना है। तो ये पिन इसलिए लगानी है कि ये कहीं पर इधर उधर ना हो जाए और चार्जिंग पिन जो है वो लग सके। देखो मैंने इसके ऊपर हॉट ग्लू लगा दिया, आपको भी काफ़ी ज़्यादा लगा देना है क्योंकि जब हम पिन निकालेंगे लगाएंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो देखो मैंने पीछे से भी हॉट ग्लू लगा दिया है, अब ये काफ़ी मजबूत हो चुका है, अब हम इसकी पिन निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ऊपर वाला पैनल है उसको मैं चिपका देता हूँ। देखो उसके बाद मैंने ऐसे मोबाइल से थोड़ी बड़ी जो पीवीसी की शीट है उसको कट कर लिया, ये कुछ 8 mm के लगभग है और ऐसे मोबाइल से बड़ी लेनी है आपको थोड़ी बहुत, तो ऐसे रखनी है, उसके बाद मार्कर से आपको मार्क कर लेना है। तो ये हम इसकी क्लिप बनाने वाले हैं। तो देखो मैंने मार्किंग कर ली है, अब उसी तरीके से जो छोटी वाली दूसरी वाली क्लिप है उसको भी आपको उसके जस्ट पास में रखना है और मार्किंग कर लेनी है। ऊपर वाले की जो मार्किंग है वही सेम आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेनी है। देखो इसके ऊपर भी दो मार्क्स लग चुके हैं, अब यहाँ से हमें इसे बेंड कर देना है। तो मैं इसको लाइटर से हीट कर देता हूँ, अगर लाइटर नहीं है तो आप सोल्डरिंग आयन से या फिर अपनी गैस रहती उससे हीट करके इसको बेंड कर सकते हो। तो देखो मैंने इस तरीके से बेंड कर लिया, अब इधर वाली जो साइड है उसको भी हीट करके मैं बेंड कर लेता हूँ। देखो ये भी बेंड हो चुका है, लेकिन ये क्लिप अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और ये मोबाइल से नहीं गिरने वाली, लेकिन इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े बाहर आ रहे हैं और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो क्लिप है उसको भी सेम तरीके से बेंड कर लेंगे। देखो तो अब इसके जो ये कॉर्नर है इसको मैं ऐसे कट कर लूँगा और इधर से भी वैसे, जिससे कि हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमें कुछ भी दिखना नहीं चाहिए कि लगाया हुआ है, और फिर भी ये मजबूती से चिपकना चाहिए पीछे से, तो इसलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने इसके कॉर्नर भी राउंड कर दिए और उसके साथ इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया ताकि ये स्क्रीन के ऊपर हमारे प्रॉब्लम ना दे हमें, और इसको पीछे से थोड़ा सा घिस दिया ताकि ये चिपक सके।
तो देखो अब यहाँ पे हम फेविक्विक लगा के इनको सिंपली ऐसा एक को इधर से और एक को उधर से चिपका देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो पिछला वाला पैनल है उसी में मैंने डाल देने चाहिए थे क्लिप्स कट करके, लेकिन वैसा नहीं है, वो आपको आगे पता चल जाएगा, आप वीडियो में बने रहो। तो देखो अभी इधर वाली जो क्लिप है उसको भी चिपका देते हैं हम। ये मोबाइल से नहीं गिरने वाला क्योंकि ये काफ़ी हल्का भी है और काफ़ी अच्छे से वर्क भी करने वाला है। तो देखो ये क्लिप हमने यहाँ पे चिपका दिए है दोनों भी, इधर से एक और उधर से एक। अब इसको यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। आप यहाँ पे देखो यहाँ से हवा आने वाली है और काफ़ी अच्छा वर्किंग है, यहाँ पे ब्लू LED है। तो अभी मैं आपको इसको टेस्ट करवा देता हूँ। तो आपको एक कैसा लग रहा है इसका लुक मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। तो ये पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सबसे पहले तो मैं आपको चार्ज करवा के दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे चार्जर कनेक्ट किया और यहाँ पे रेड LED जल चुके हैं। जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा हमारा जो LED रेड है वो ब्लू हो जाएगा और फिर आपको इसको चार्जर से डिसकनेक्ट कर देना है। वैसे तो ये अपने आप चार्ज हो जाने के बाद डिसकनेक्ट हो जाता है। तो देखो अब ये पूरा वर्किंग के लिए रेडी है। तो देखो फैन भी चल रहा है और हमारा LED भी चल रहा है और फैन से काफ़ी ज़्यादा हवा आ रही है और फैन काफ़ी तेज़ी के साथ घूम रहा है क्योंकि ये 5 वोल्ट वाला फ़ैन है और हमारी बैटरी जो है वो लगभग 4 वोल्ट देती है। मतलब ये पूरा फुल स्पीड के साथ घूम रहा है। ये फ़ैन 3.7 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक चल जाता है। तो अब मैं इसको मोबाइल में लगा के आपको टेस्ट करवा देता हूँ। देखो सिंपली आप इसको ऐसे लगा सकते हो, अटक गया और उसके बाद ये नहीं गिरने वाला। कितना भी हिलाओ या कितना भी कुछ भी करो, देखो ये काफ़ी मजबूती से बैठ गया है और डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि हमने कुछ लगाया है और इसको पकड़ने में भी काफ़ी हल्का लग रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो देखो ये डिस्प्ले पे ऊपर हमें कुछ परेशानी नहीं कर रहा है और हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। देखो मैंने इसको ऑन कर दिया, अब ये मोबाइल के ऊपर हवा दे रहा है और जो हवा अंदर जा रही है उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने उसमें गैप छोड़ दी है तो जिससे कि वो हवा बाहर से आएगी ठंडी हवा और उसके बाद मोबाइल के ऊपर जाएगी और उससे जो गर्म हवा है वो इधर से और नीचे से निकल जाएगी। इसलिए हमने वो जो क्लिप्स है उनको ऊपर से चिपकाया ताकि इसके अंदर गैप बन सके और हवा वहाँ से निकल सके। और आपको मोबाइल में इससे यूज करने के बाद काफ़ी लैगिंग प्रॉब्लम या हीटिंग प्रॉब्लम जो भी कुछ होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप गेम खेलते हो, कुछ वीडियो बनाते हो, कुछ एडिट करते हो, देखते हो तो काफ़ी अच्छे से आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो आप एक बार इसको बना के टेस्ट करना। आपको इसके लिए कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला, सिर्फ फ़ैन और TP मॉड्यूल आपको ख़रीदना है, बाकी तो बैटरी आपके पास पड़ी ही होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल के बाकी वीडियो देख लो। बाय बाय दोस्तों।